मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जिन पर है निगाहें बकायदे आजम, देश को चलाने वाली संसद, नीतियों का निर्धारण करने वाली संसद, देश की आकांक्षाओं को सपनों को साकार करने वाली समास्थली संसद, यहाँ के हर एक क्षण रहती है भारतवासियों की निगाहें। इसीलिए यहाँ संस्कारों का होना आवश्यक है। विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का संसद, इसीलिए रहती है यहाँ पूरी दुनिया की निगाहें। यही विरासते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र रामपुर के सांसद आजम खान, जिन्होंने आंखों के आंखों से नजर न हटाने की ऐसी अंदाज में टिप्पणी की, पूरी दुनिया की निगाहों में ये आ गए। ऐसे आए कि पूरी दुनिया की निगाहें इनसे हटने का नाम नहीं ले रही। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा। उधर मत देखिए मुझे, आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं नहीं नहीं, ये नजर तो हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात कीजिए। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। अध्यक्ष की आसादी पर बैठी रमा देवी और बोल रहे थे जनप्रतिनिधि रामपुर। शब्द ऐसे निकले कि लोगों को संसद के बजाय सिनेमा के दादा कोड़ के नजर आने लगे। नई सरकार बनने के बाद प्रथम मानसून सत्र, जिसमें बजट पेश कर रही एक महिला वित्त मंत्री, जिसमें पारित हुआ 3 तलाक बिल। यही इसी सत्र में आजम खान अचानक आ गए रोमांटिक अंदाज में। इस अंदाज को करने के बाद संसद के 2 दिन के नजारों को देख कर कह रहे होंगे आजम, अम्मा महंगा पड़ गया यह अंदाज। हुस्न बयां करने में माहिर आजम खान अक्सर कुछ ऐसे ही अंदाज में पेश आते हैं। इसी संसद में पहुंचने के लिए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के अंतः वस्त्रों का वर्णन भी किया था। आइए जानें इस खान साहब के बारे में, जिनके खिलाफ खड़ी है तमाम महिला सांसद। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा। उधर मत देखिए मुझे, आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं नहीं नहीं, ये नजर तो हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी जी, आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। माननीय सांसद को उसके लिए क्षमा मांगना पड़ेगा। माननीय, उन्होंने इस्तीफे की बात की है, हमें इस्तीफे से नहीं मतलब है, हमें क्षमा चाहिए, उन्हें माफी मांगना होगा। माननीय आकर के सदन में, मेरे 7 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में आज तक किसी पुरुष ने इस प्रकार की किसी भी सदन में हिमाकत नहीं की। ये विषय महिला का नहीं है। इस सदन में और दूसरे सदन में भी कई पुरुषों ने अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यकाल में महिला के संरक्षण के लिए, सम्मान के लिए आवाज उठाई है। कैसे ये सदन शर्मसार हुआ। इस सदन में बातचीत प्रिविलेज होती है। अगर महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीजी सदन के बाहर होती तो वो पुलिस का संरक्षण मांगती और उसे मिलता। लुक इन टू माई आईज एंड टॉक राइट। यू माइट बी वेरी रिदमिक इन योर कपलेट्स और एनीथिंग, बट दैट्स नॉट अ पार्लियामेंट्रियन थिंग, एंड आई थिंक यू शुड कम अप विद समथिंग लाइक दैट, विच वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड। ऑल वुमेन राइट हियर आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम यू राइट नाउ। अगर लड़ने की बात आएगी तो हर महिला यहाँ पे बैठे हुए, पक्ष अलग होगा, पार्टी अलग होगी, हम सब एक होकर महिलाओं के प्रश्नों के लिए सब लड़ेंगे। और इससे उन्हें आपने स्ट्रिक्टली, और उन्होंने कहा बहुत अच्छे से कि आप मेरी छोटी बहन लगती हैं। अरे बहन के सामने अगर झुक जाते तो भाई कभी छोटा नहीं होता, भाई और बड़ा हो जाता।
whatever age she belongs to, wherever she comes from, and whatever post she holds, and wherever she sits. They continue to be insulted, and even in this house of democracy, women are continued to be insulted and made to feel small. आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ। आजम खान की पत्नी का नाम ताजिन फातिमा है और उनके दो पुत्र हैं अबीद खान और अब्दुल्लाह खान। आजम खान ने अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघ के सचिव पद से की। 1976 में उन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन किया और इसके बाद पार्टी में रहकर उन्होंने जिला स्तर की राजनीति की। बाद में वे लोकदल पार्टी में जुड़ गए, लेकिन कुछ महीनों बाद दोबारा जनता दल में आ गए। DNX TV रायपुर।